अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रमदानी पिजन लाइफ में आपको वेलकम करते हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये कुछ बच्चे मेरे बाहर बैठाए हुए हैं, ये भी हैं और इसके अलावा ये दो ऊपर बैठे हुए हैं, चेक करें। तो अभी जो है वो हम आज जो दूसरे बीमार कबूतर हैं जो अंदर बंद किए हुए हैं अलग से, तो उनको आज हम इनके साथ जो वो छोड़ देंगे, क्योंकि अभी अल्लाह का शुक्र है वो ठीक है। आगे भी दुआ कीजिएगा कि वो ठीक ही रहे। तो अभी हम उनको पकड़ के खुडे में छोड़ते हैं। तो आज काफ़ी दिन हो गए हैं, शायद 7-8 दिन हो गए हैं उनको अलग किए हुए, तो आज इकट्ठा इनको छोड़ते हैं दोबारा से। तो मैं भी कबूतर लेके आता हूँ, फिर छोड़ता हूँ, तो फिर आपको दिखाते हैं जी। दोस्तों तो ये जो है वो मैंने कबूतरों को जो है वो एक पिंजरे में इकट्ठा कर लिया है। ये तकरीबन माशाल्लाह अभी सब ठीक है, चेक करें। तो अभी हम इनको जो है वो इस बड़े जो है वो खुडे में छोड़ देंगे, क्योंकि ये पहले यहीं पे थे। तो अभी इन सबको जो है वो अंदर छोड़ेंगे। तो अभी इनको चेक करते हैं, क्योंकि अभी ये खुडे को देख के देखें चाह रहे हैं कि हम इधर से निकलें और खुडे की तरफ भागें, चेक करें। तो अभी मैं वो खुडे का दरवाज़ा जो है वो अंदर वाला जो है बंद कर देता हूँ, ताकि इनको हम जाल में छोड़ेंगे, तो फिर हम देखेंगे जी। दोस्तों तो खुडे का दरवाज़ा मैंने बंद कर दिया, चेक करें। अभी हम जो है ये इनको अंदर लेके जाएंगे, ये चेक करें। तो अभी यहाँ पे जो है हम इनको खुला छोड़ेंगे अंदर ही। चेक करें दोस्तों, खुला छोड़ दिया। अभी ये बाहर के दाने के पे जाएंगे, क्योंकि इन्होंने उधर अच्छी तरह से दाना भी नहीं खाया, और अभी जो है ये दाना खाएंगे। और आप चेक करें माशाल्लाह ये अच्छे तरीके से दाने खा रहे हैं, चेक करें। अभी ये दोबारा अपनी जगह पे आके खुश हो गए हैं, उड़ेंगे आगे पीछे। तो अभी इनका अंदर का क्या रिएक्शन होगा वो भी देखते हैं। दरवाज़ा खोलते हैं अंदर वाला, देखे पर मार रहे हैं, खुश हो रहे हैं। ये अपनी अपनी जगह पे जाके भागेंगे, चक्कर जैसे आज़ाद हो गए ये चक्कर। ये भी जाएगा, ये एक पीछे की तरफ चला गया। चेक करें दोस्तों, ये भी था जो भटक रहा है अभी, ये नीचे ये वाला, ये पट्टी भी थी वो, देखें 35 वाली की मादा थी वो भी नर गया है। तो देखें वाइट के साथ, तो अभी इतने दिनों के बाद ही हैं, देखें ये अंदर फिर खब बन गई, कोई इधर उड़ रहा है कोई उधर उड़ रहा है। ये वाली मादा जो है, ये इसका नर जो है ये इधर बाहर बैठा हुआ है, ये पीछे चला गया कलसरा। इसको हम इधर ही छोड़ेंगे कलसरे के साथ ही, क्योंकि फिर किसी और के साथ ना होगा। क्या करें दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।